हाय एवरीवन, खाना खाने के बाद मीठा खाने का सभी का मन चाहता है, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कैल्शियम और आयरन से भरपूर सर्दियों की खास रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी, जब भी आपका मीठा खाने का मन चाहे तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी तिल, एक कटोरी गुड़। गुड़ को हमने नाइफ की हेल्प से बारीक पीसेस में कट कर लिया है, ताकि इसे घुलने में आसानी हो। और साथ में हमने ली है हाफ कटोरी मूँगफली। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे तिल। तिल की भुनाई कर लेते हैं। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में तिल की भुनाई हो जाएगी, तो चम्मच चलाते हुए हमें तिल की भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और तिल भी चटकने शुरू हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और गैस को बंद करने के बाद भी इसमें थोड़ा चम्मच चलाते रहते हैं, ताकि तिल काले ना पड़े। अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल को हमने एक सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है, ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद ही हमें इसको मिक्सी जार में डालकर पीसना है। तिल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेते हैं, और मिक्सी को एक दो बार रोकते हुए हमें इसे दरदरा सा पीस लेना है। तिल पीस चुके हैं, अब हम इसी मिक्सी में मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लेते हैं, और एक दो बार मिक्सी को रोकते हुए पीसना है। अब हम उसी कढ़ाई में गुड़ को ऐड कर देते हैं, और इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कटोरी पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 1/4 कटोरी लेना है। और सभी चीज़ों का मेजरमेंट हमने एक ही कटोरी से किया है। आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और सभी चीज़ों का मेजरमेंट उसी कटोरी से कीजिए। बस हमें 2-3 उबाल आने तक गुड़ को पकाना है। 2-3 उबाल आ चुके हैं और हमने गैस को बंद कर दिया है, और हमने इसे छान लिया है। छानने के बाद हमने इसे दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर दिया है और हल्का सा और पका लिया है, ताकि ये ठंडा ना हो। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद ही इसमें तिल और मूंगफली को ऐड करना है, और फिर चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर देना है। गुड़ मूंगफली अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर ली है एक प्लेट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी हल्का सा घी लगा दिया है, ताकि जो हम इसमें मिठाई डालेंगे वो नीचे ना चिपके। बस हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे बादाम से, आप पिस्ता जो भी आपके पास हो आप उसे लगा सकते हैं। और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कट का निशान लगा देंगे। हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमें कट लगा देना है। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको पीसेज में कट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट हो रहे हैं, और ये बहुत ही खाने में टेस्टी बने हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।